नमस्ते दीदी, मेरा नाम कलावती है, आप अपना परिचय देंगी? नमस्ते दीदी, मेरा नाम जगदीश्वरी और मैं कल्लूरू से हूँ। हमने सुना आप द्रव जीवामृतम बनाने वाले हैं, हमें उसके बारे में कुछ बताएंगी? द्रव जीवामृत पौधों को ताकत देता है, इसलिए मैं उसे बनाकर अपनी फसल पर इस्तेमाल करती हूँ। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो पिसी हुई चने के दाल, 2 किलो गुड़ और 2 हाथ बांबी मिट्टी। दीदी, आप हमें ये बनाने की विधि बताएंगे? पहले 10 लीटर गौमूत्र को 200 लीटर पानी में मिला दें। दस किलो गाय का गोबर भी ड्रम में मिला दें। अब 2 किलो पिसे हुए चने के दाल भी मिला दें। अब ड्रम में गुड़ भी मिला दें। आखिर में बांबी मिट्टी को भी इसमें मिला दें। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से घोल लेंगे। क्या ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है? अरे नहीं दीदी, अब इसने 4 दिन रहने देना होगा और हर रोज 3 बार मिलाना होगा। 14 दिन के अंत में ये तैयार हो जाएगा। इसको अपनाने से क्या फायदे हैं? ये तो फसल को ताकत देता है। इसे बनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गोबर और गोमूत्र स्वस्थ गाय का होना चाहिए। इस मिश्रण को ऐसे ही बिना किसी और मिलावट के इस्तेमाल करना चाहिए। द्रवजीवामृत को खेत के जल स्रोत में मिला दीजिए। हमें इसे बनाने की विधि समझाने के लिए आपका धन्यवाद।